तो मकसद यही है कि ये बेचारे अहादीस अधूरी बयान करते हैं पूरी। आपके यहाँ तबलीगी जमात है, छह नंबर भी याद है, बस फिर इनके छह नंबर भी याद करने में खत्म करते हैं, हजरत का बयान मुतसर होगा इंशाअल्लाह। इनके भी छह नंबर है। एक बेचारा तालिबे इल्म था, पढ़ने गया कहीं अरबियों के मदरसे में, अब वहां जाओ पढ़ना पड़ता था, ये सर्व याद करो नाम याद करो, ये बड़ा तंग आया। ऐसा मदरसा हो जहाँ बगैर पढ़े समझ मिलती हो। अब बेचारा बैठा है, कोई गैर मुकल गुजरे लगा यहाँ बैठा, उसने कहा भाई मदरसे वाले पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ने को जी नहीं चाहता, घर वाले तंग करते, पढ़ के आओ संद ले के आओ, तो फिर हमारे यहाँ आ जाओ। वो ले गया उसने संद लिख दी, ये ले लो। उसने कहा संद तो लिख दी लेकिन ये तो मुझे पढ़ने भी नहीं आती, क्या लिखा है इतिहास। ने कहा कि हम इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ाते, बस छह नंबर याद कर लो। जी कौन सा? उनका पहला नंबर ये है कि जब किसी से मिलो वो जिस हाल में हो और कहो हजरत इस किस्म का रुमाल किस हदीस में आता है जी, यूं बैठना किस हदीस में आता है, किस किस्म की रेड़ी किस हदीस में आती है, किस किस्म की ऐने किस हदीस में आती है, इस तरह की टेप किस हदीस में आती है। अब वो बेचारे बाकी करेंगे कि मौलवी साहब की हदीस निकाल के दो, वो कोई हदीस वाला आ गया, वो हदीस के बगैर बात ही नहीं करता। और तेरा काम होगा कि गली बाजार में कहे बस जी उम्मतियों की फिका पढ़ाते हैं, किसी को हदीस नहीं आती, मैंने हदीस पूछी कोई बता सका नहीं। अब इतने काम के लिए किसी इलम की जरूरत है? ये छह साल के एक बच्चे को हम भेज देते हैं, वो बाजार में हर रेड़ी पर हाथ रख के पूछेगा कि ये रेड़ी किस हदीस में भी आती है, पूछेगा या नहीं? उसने कहा ये तो बात हजरत आपने गुर की बात बताई, मैं तो किसी को चैन में कोई मेरे सामने ना खड़ा हो के खड़े होने की हदीस पूछेगा, कोई ना बैठे कोई कपड़ा पहनेगा तो रंग की हदीस पूछ लूंगा, ये तो आपने ऐसा काम बताया कि किसी को मैं चैन से अब बैठने नहीं दूं। लेकिन एक दिल में खदशा है थोड़ा सा, तो वो क्या कि आखिर मैं भी वहां जाकर कोई काम करूंगा या नहीं, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये किस हदीस में है फिर। उसने कहा डरते क्यों हो, दूसरा नंबर याद कर लो। ये क्या देखा, जब तुमसे को पूछे ना कि ये तुम्हारी याद किस हदीस में है तो फौरन जवाब देना किस हदीस में मेरा है, किस हदीस में मना है, और पूरे इलाके में शोर मचा देना कि कुछ नहीं आता हनफियों को, इस ऐन के सबूत की हदीस मांगी थी, उसके मना की मांगी थी, ना वो मिली ना ये मिली। कितने नंबर हो गए? दो। उसने कहा कि ये तो बात ठीक है लेकिन सारी दुनिया अनपढ़ों की नहीं, मसलूम इतना बड़ा मदरसा है जहां दौरा हदीस भी होता है, अब मैं कोई ऐसी बात पूछ बैठूं जो सचमुच हदीस में मिल जाए और वो हदीस ले आए तो ये बताओ कि मान लूं या ना। उसने कहा मानने की क्या जरूरत है, देखा फिर अब क्या करो। देखा तीसरा नंबर एक उन्हें बता दो कि जिस तरह राबजी हजारों सहाबा में से चार पांच को मानते हैं, हम हदीस की सैकड़ों किताबों में से सिर्फ छह मानते हैं, बाकी मानते हैं। अब वो तहावी चीज रहेंगे, ये नहीं हमें मानता, ये नहीं मैं मानता, यानी किसी एक हदीस का इनकार नहीं, पूरी किताबों का इनकार है। हालांकि आपके द्वारा हदीस शरीफ हो रहा है, कभी किसी तालिबे ने ये नहीं कहा कि इमाम बुखारी शाफी थे, मैं हनफी हूं, मैं नहीं पढ़ता बुखारी, कहता थी ना। किसी उस्ताद ने ये कभी नहीं कहा कि अबू दाऊद तो हम्बली थे, मैं क्यों पढ़ाऊ अबू दाऊद, भाई मौता इमाम मालिक मालकी पढ़े, हम क्यों पढ़े। हम कहते हैं हदीसे तो अल्लाह के नबी पाक की है ना, हमारे यहाँ ये जिद और तासुब नहीं, ये मेरा पैर नहीं कि ये हदीस मेरी है और वो तेरी है। वो तो कहते एक पीर साहब थे, उनके मुरीद एक गांव में रहते थे, कहीं आपस में दोनों मुरीद लड़ पड़े, पीर साहब बेचारे आ गए, जो पहले घर मुरीद का आया ना वहां चले गए, वो लड़े हुए थे दोनों, तो किसी ने बताया कि हजरत तशरीफ लाए हैं तो सारा सवाब तो खिदमत का वो कमा रहा है। किसने कहा कि पीर साहब तो हमारी मुश्तरका जायदाद है ना, चलो मैं भी जाता हूं। ये गया तो वो एक टांग दबा रहा था हजरत की, ये हालत थी, ये जल्दी से इसने ये दबानी शुरू कर दी, लेकिन जरा तेजी में जो बैठा ना तो ये अंगूठी उंगली इस टांग को लगी जिसको दूसरा दबा रहा था,
उसने समझा कि इसने मेरे हाथ में दस्तंग अंदाजी की है, उसने पीर साहब की टांग पर जोर से मुकाया कि तू कौन होता है मेरी टांग को उंगली लगाने वाला। ये उठा, ये डंडा ले यार, जोर से करा, ये तू कौन होता है मेरी टांग पर मुक्का मार। अब वो उठ के कुल्हाड़ी ले आया, उसने कहा अल्लाह की कसम आज शरीफ की टांग नहीं रहने दूंगा, काट के छोड़ूंगा। पीर साहब बेचारे हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता टांग मेरी है, अल्लाह के वास्ते माफ कर। वो कहता नहीं नहीं, ये शरीफ की टांग है, ये हम काट के छोड़ेंगे। गैर मुकल्लद कहता है बेशक तारी में नबी पाक की हदीसें हैं, लेकिन लिखने वाला हनफी है, ये शरीफ की टांग है, हम इसको काट के छोड़ेंगे। मोहता इमाम मोहम्मद ने बेशक हदीसें अल्लाह के नबी पाक की है, लेकिन ये शरीफ की टांग है, इसको हम काट के छोड़ेंगे। ये मेयर और तेर के लिए तीसरा नंबर रखा हुआ है, किताबों का इनकार हो रहा है। और हमारे पास दोस्त आते हैं जी ये किताब वो नहीं मानते, इससे हदीस ना दिखा, क्यों ना हम उनके लिए अपने नबी के हदीसों का इनकार करें। मैं कहता हूं जिस किताब को ना माने उसकी पहले दिखाओ, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग मुनकरीन हदीस में। आप हदीसें बने बार बार उसी किताब से, आप हैरान होंगे, टूट कर भागेगा हदीस सुनकर। तो कितने नंबर हो गए? हमारे जिला उकाला में एक हाई स्कूल है, उसके अरमाज साहब बाबा फरीदुद्दीन गायशकर की औलाद में से है, बेचारे नमाज नहीं पढ़ते थे, पांच टीचर गार मुकरद है, चार तो फारग तहसील आलम और पांचवा बेचारा करीम से अगर साइंस टीचर। हमारा एक चला गया बेचारा तबलीगी जमात वाला यासीन साहब उसका नाम है, वो अरमाज साहब को रायगढ़ ले गया, दो चार दिन भी लिखवा दिए, नतीजा ये हुआ कि अरमाज साहब पक्के पांच वक्त के नमाजी बन गए। अब एक तो है ना तबलीगी जमात का काम कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनको कहना भी नमाज पढ़ो, ठीक है ना, खेतों में फिर रहे हैं भी आप कहां थे, वो बेचारा मुसलमान था, कलमा पढ़ता था लेकिन नमाज में सोते उन्हें याद दिलाने गए, दुकान पर खड़े हैं, मकान पर खड़े हैं। तो आपके इलाके में गैर मुकल्लद भी आकर दाता जाते हैं बेन वालों के पास? नहीं, इनका काम बाद में शुरू होता है। जब शुरू कर दी किसी ने नमाज, फिर ये आ जाते हैं, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं। उनका काम है बे नमाज को नमाज पर लगाना, इनका मिशन है नमाजी के दिल में इतने वसवसे डालना कि वो बेचारा छोड़ ही जाए कि नहीं होती तो क्या, उनके उल्ट मिशन है। तो अब वो हरमाज साहब जो नमाज पढ़ने लगे, अब आ गया ये हरमाज साहब आपकी तो नमाज ही है, आपका जो वजू नहीं होता, इस सलात रसूल आगे साल ख्याल कोटी की, उधर से जनाब कई किताबें ढेर लग गया, अब बेचारों को नया नया शौक हुआ था हदीस पढ़ने दीन की बात तरफ, तो उसने पढ़नी शुरू कर दी। एक दिन वाली यासीन ताज से कहने लगा कि यासीन भाई तेरा मैं शुक्रगुजार तो बहुत, नमाज पर लगा दिया, लेकिन मैं अब आगे जा रहा हूँ जरा। तो आगे किधर? उसने कहा देखो कितनी किताबें हैं हदीस की। उसने देखा, देखा कि दो चार दिन न जाए, अमीन साहब को बुलाते हैं जरा, जल्दी बुलाओ। फिर मैं गया, उन्होंने सलातुर रसूल निकालकर मेरे सामने रखे, नमाज साहब ने सारे टीचर भी बैठे थे, कहेंगे ये जो हदीस उबादा बिन सामत वाली, इसके बारे में आप क्या कहते? उसमें नसाई शरीफ का हवाला भी था, मैंने नसाई खोल के सामने रखी, मैंने कहा सादिक साहब ने जो आखिरी जुमला लिखा ना इसमें, फइन्नहु ला तलातलम लम यकरा बिहा, ये नसाई में नहीं है। नमाज साहब कहने लगे ऐसा हो सकता है? मैंने कहा हो गया है, हो सकता क्या? अब वो देखे दोनों तरफ किताब को, तो मौलवी साहब ये क्या है, इतना धोखा? मैंने कहा ये तो उसका है जिसका नाम सादिक है, जिनका नाम ही कुछ और हो पता नहीं वो क्या करते हैं, जिसका नाम सादिक ही उसने काम किया। फिर मैंने कहा कि ये बैन सतूर में लिखा है नाफे बिन महमूद के बारे में कि मस्तूर है, इसका पता नहीं, इसके हालात पर्दा किफा में है कि ये काबिल एतमाद है भी या नहीं, जो बात यहां है वो लिखी नहीं, जो नहीं है वो लिख दी। मैंने कहा इसके बाद देखे कि जहां ये रवायत करूं आगे क्या है, बाब तावील कौले ताला वैजा कुरे अल कुरान फस्त हमें ऊ लगू वन से तू लान लगो, और आगे वैजा करा फन से तू इस आयत की तशरीह। मैंने कहा अगर भी फर्ज वो हदीस सही भी हो तो ये आयत उसके बाद नाजिल हुई। अब वो बड़ा हैरान है नमाज से, अब चारों मौलवी बैठे सामने उनके, कहते भाई ये बताओ ये क्या है, मैं तो सोच नहीं सकता ऐसी बात, अगर किताबें सामने होती तो मैं कभी अमीन की ये बात ना मानता कि इस तरह का धोखा होगा। वो जो साइंस टीचर था ना, वो जरा पीछे बैठा, तो पीछे उनसे यू करे मौलवियों को जवाब दो जवाब,
जवाब दो जवाब। अब वो बेचारे जवाब क्या दे, किताबें सामने रखी है। तो वो पीछे जो छोड़ो यार, तुझे पता तो है नहीं, लेकिन वो जवाब दो जवाब। आखिर जब देखा ना कि उनको कोई बात नहीं आती, तो मुझे कहने लगा मौली साहब असल बात ये है कि हमारे मौली साहबान सिर्फ 6 किताबें पढ़ते हैं। आप तो पता नहीं कहीं से 600 किताबें पढ़कर आ गए हैं। मैंने कहा ये किताब उन 6 में से ही है, मिसाई नहीं है ना। मैंने कहा ये किताब उन 6 में से ही है। अब वो पंजाबी में कहता है घोड़े तो हमें 6 में नहीं आ रही है, घोड़े तो हमें 6 में नहीं आ रही है। तो तीसरा नंबर ये है कि हम 6 किताबें मानते हैं। और उसने कहा कि हजरत अगर कोई इन 6 में से हदीस ले आया फिर क्या करो, मान लो मैं नहीं, अब क्या करो जी। तो अब ये है कि फौरन एक शर्त लगा दो कि ये लफ्ज होगा तो मैं मानूंगा, वरना मैं इस शर्त के मुताबिक हदीस हो। गोया अल्लाह ताला और अल्लाह के पाक पैगंबर को मशवरा दिया जा रहा है कि या अल्लाह दीन का मसला बताना हो तो लफ्ज हमसे पूछना, वरना आपने अपनी तरह से लफ्ज बोल दिया तो हम नहीं मानेंगे। पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया जा रहा है कि हजरत आपने भी मसला बताना हो तो फिकरा हमसे पूछ लेना, अगर उसी फिकरा जो हमने लिखा है वो आप बयान फरमाएंगे तो हम मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो ये अल्लाह के नबी की हदीस नहीं, अपनी शर्त पर ही मान सकते, जो भी शर्त लगा दे ये लफ्ज होना चाहिए। इनके इश्तहार देखो उसमें शर्तें लगी होती, ऐसी शर्त लाओ ऐसी शर्त होती है या नहीं होती। मैं कुछ अगर कर लेता कोई 20 हदीस सुना दे, मैं कान नहीं हदीस नहीं सुनता था, ये सिर्फ उंगली होती थी कि ये लफ्ज आया है नहीं आया, नहीं आया मेरी तो तसल्ली नहीं हुई, नहीं आया नहीं आया चला गया। तो चौथा नंबर क्या है, शर्त लगा दो। ठीक है, लिखा के अब आपको पता है कि मैं इतना पढ़ा हुआ तो नहीं, मैंने शर्त भी लगा दी। और इत्तेफाक से इन किताबों में हदीस बिल्कुल उन्हीं लफ्जों में मिल गई, उसी शर्त के मुताबिक मिल गई। अब कौन सा तरीका रह गया इनकार करने का, उसने कहा कि क्यों हम कर हनफियों से पढ़कर आ गया दो हरफ और आप हदीस मानने के लिए तैयार बैठे, भाई अब क्या करें, शर्त पूरी हो गई है। पर मैं आप पांचवा नंबर याद कर क्या कि जब कोई और सहारा न रह जाए इनकार हदीस का, तो फिर 3 मरतबा कहना है ज़ईफ है ज़ईफ है ज़ईफ है। वो मैं अटक में गया ना, तो वहां तकरीर के बाद एक गैर मुकल बेचारा बाबा पठान बूढ़ा, और वहां ज़ुआर द्वार का झगड़ा पड़ जाता है ना, वो आ बैठा और कहे है डाल बोले ना, पूरा ना ले, मुझे समझना है कि ये क्या क्या रहा है।